आज सिंगरौली पहुंचे आरडी त्रिपाठी मध्य प्रदेश इंटर के अध्यक्ष। नवानगर के रास्ते में बने यूथ इंटर के कार्यकर्ताओं से सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह को जिताने की अपील की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से क्रांतिकारी उस मीटिंग में थे, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी भी वहां पर हमारे इतिहास में हमारा ये तमाम लोगों ने मिलकर के सोचा कि इंटर का उतारा जाए और इंटर का फैक्ट्री को उस तरह से देखे गांधी जी ने चिट्ठी लिखी मानना नारायण को बिना तो हम कामाए राज्य में स्वर्गम नापुर हो कामाए दूसरे ताप्ता नाम पाने माते नाशन हमको ट्रेन चलाने वाले को राज्य की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, फिर जन्म लेने की इच्छा नहीं, लेकिन एक इच्छा जरूर रखे जो दुख से तपा हुआ है, जो दुख से दबा हुआ है, पत्थर से दबा हुआ है, उसके दुख को दूर कर सके इसे ट्रेन बनाएंगे। ट्रेन उसी बेस पर लोग चलाना चाहते हैं और हमारे जो बड़े नेता भी थे रामानंद थे नंदा जी थे, वो कहते थे कि इसको गाय की तरह इंडस्ट्री को चलाओ, गाय स्वस्थ रहेगी ठीक रहेगा, दूध देगी तो दूध का डिस्ट्रीब्यूशन तुम फाइट करो कि दूसरा कहे मालिक ने पी लें उसमें मजदूरों का भी आपको उनका भी हिस्सा मिले उनकी भी बात मिले, उसी लड़ाई आज है उसी लड़ी है। यहाँ पर सारा का सारा काम जो है हम पूरा तरह एक्सप्लाइट है, शोषण है, 15 साल से शोषण ही वो मजदूरों का धुआं में है, धूल है, बीमारी है, एक ईएसआई का अस्पताल नहीं खोलवा सके, इतना बड़ा हाँ कोई जीवन बीमा नियम पर कोई अस्पताल नहीं खोल सका जहाँ मजदूरों को दवाई मिल सके, कहीं सतरा से जाता है, कहीं रीवा जाता है, कहीं सीधी से आता है, कोई जाकर कोई व्यवस्था नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग की लड़ाई है, लड़ाई के लिए हम यहाँ पर पहले भी आए थे खासकर और हमारे हमारे साथी लोग बैठे हैं और अब आज तो हम आए हैं आप हमारे हमारा रिजल्ट भी कायमसी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चलाएगी, लेकिन जब वोट देना होगा वो कांग्रेस को भी। उनके साथ रामराज तिवारी महामंत्री मध्य प्रदेश, वीरेंद्र बिष्ट जिला अध्यक्ष सिंगरौली निरंजन झा, संयुक्त महामंत्री इंटक सुरेश कुमार दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंटक यत्री लाल, अध्यक्ष बीके सिंह एनसीएल, मुख्यालय अध्यक्ष इंटक मौजूद रहे।